हेलो, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नेमत और मेरे किचन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज भरते वाली टिक्की बनाते हैं। जी हां, आलू वाली टिक्की जिसे हम कई तरीके से सर्व करते हैं। तो मेरे साथ बने रहें, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट, देखें इसके बनाने का तरीका और अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर बनाएं, खाएं और खिलाएं। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक हैं, तो जो हर घर में मौजूद रहते हैं। और मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ ताकि ये टेस्टी भी रहे और हेल्दी भी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ के जी आलूओं को दो सीटी तक बॉयल करके इसे चंकी सा इसका पेस्ट बना लिया है। ये आलू हमें बिग बास्केट ने ज्योति आलू के नाम से सप्लाई किया है और इस आलू की खास बात यह है कि ये अपने अंदर पानी को नहीं एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से इसका भरता ड्राई सा बनता है। और ये इस तरह से बनाने से इसका टिक्की जो है वो बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें हमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट को शामिल करना होगा ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो और इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेड क्रम शामिल कर रही हूँ। अच्छा, इसमें अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ के जी स्किम्ड मिल्क का छेना बनाया है और इसे भी मैं आलू के भरते में शामिल कर रही हूँ। देखिए, बात यह है कि जब आलू की टिक्की बनाते हैं तो सिर्फ आलूओं की टिक्की बनाने से इसका टेस्ट बिल्कुल आलू के भरते जैसा होगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मिला लेने से ये बहुत ही टेस्टी बनता है और पनीर इसे हल्का बनाता है, डेंस नहीं रखता। हाँ, इसमें आलू डोमिनेट करेगा और बाकी सारी चीज़ों को हमें थोड़ा थोड़ा मिलाना है। तो अब टेस्ट के लिए हम इसमें थोड़ी सी कटी हुई प्याज मिलाते हैं। ये मीडियम साइज़ की एक प्याज है। अच्छा, तो यहाँ पर टेस्ट के लिए मैंने एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम इसे कर सकते हैं। फिर टेस्ट और इसके अच्छे लुक के लिए मैंने यहाँ पर मिर्चों का चूरा, जो कि चिल्ली फ्लेक्स है, उसे डाला है और ये हमारे घर का बना हुआ है। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने दरदरा कुटा हुआ धनिया डाला है जो कि इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा। और साथ ही ये अनारदाना है जिसे मैंने खरल में कूट लिया है, ये इसमें एक अच्छा सा खटास देता है। तो ये सारी चीज़ें इसके टेस्ट को एनहांस करेंगी। मैंने यहाँ पर कटी हुई करी पत्ते लीव्स डाली है। आप यहाँ पर धनिया की पत्ती या पुदीना के पत्ते, कुछ भी अपनी पसंद से शामिल कर लें। साथ ही टेस्ट के लिए यहाँ पर नमक डालना है तो ये भी इसमें डाल लें। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ डालें, कोई भी चीज़ इसमें ज़्यादा या कम किया जा सकता है और कोई भी नया ऐड इसमें किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर करी पत्ता, राई दाना और लाल मिर्चों से एक इसमें बघार दिया है जो कि इसमें अच्छा सा क्रंची सा टेस्ट देगा। अब इन सब चीज़ों को खूब अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मिला लेना है। देखिए, ये टिक्की बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनती है और जब आप ये बनाने लगेंगे तो किसी भी तरह की टिक्की से आप इसे बनाना प्रेफर करेंगे और ये बहुत सस्ता और बहुत टेस्टी होता है। बच्चे और बूढ़े सभी इसे बहुत इंजॉय करेंगे। तो अब इसे अच्छे से मिला लें। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर या किचन किंग या थोड़ा बहुत गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये ऐसे ही पसंद किया जाता है। इस तरह से मैंने इस ढक्कन से इस टिक्की को तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब इसको और ज़्यादा स्टेबल रखने के लिए हम इसे थोड़ा सा ब्रेड क्रम से लपेट लेंगे ताकि ये टूटकर बिखरे नहीं। बहुत हल्का हल्का सा इस पर ब्रेड क्रम लगाकर पहले से गरम किए हुए एक नॉन स्टिक तवा पर मैं इसे
फैलाती जाऊंगी। ये टिक्की शैलो फ्राई में भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छी तरह से बहुत ही कम तेल में सेका जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये टिक्की कितनी ज़बरदस्त और कितनी अच्छी बनी है। आज मैं इसे खिचड़ी के साथ सर्व करने वाली हूँ। आप इसे टिक्की चाट में भी बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत तरह से इसे आप सर्व कर सकते हैं शाम की चाय के साथ या और भी किसी तरीके से। तो बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।